हाई माई लवलीज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज प्रेक्षा हियर। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स जिसको भी होते हैं बहुत एम्बेरस फील होता है, हमारे हेयर ड्राई, डैमेज, फ्रिजी लगते हैं। सो स्प्लिट एंड्स तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं एंड वो हमारे हेयर के लिए अनहेल्दी भी होते हैं। इसलिए मैं आप लोग के साथ आज कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने स्प्लिट एंड्स को परमानेंटली अपने हेयर से रिमूव कर सकते हो एंड कौन से प्रिकॉशंस एंड टिप फॉलो कर सकते हो जिससे आपको फिर से स्प्लिट एंड्स नहीं हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली हम कॉज जान लेते हैं कि किस वजह से हमें स्प्लिट एंड्स होते हैं। तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। सो कुछ कॉजेज हैं ओवर ब्रशिंग की वजह से, यूवी एक्सपोजर की वजह से, हीट स्टाइलिंग ज़्यादा हो रही है, केमिकल ट्रीटमेंट्स आप अपने हेयर में यूज़ कर रहे हो, या टाल ड्राइंग की मैथड अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से आपके हेयर में स्प्लिट एंड कॉज हो सकते हैं। सो माई फर्स्ट टिप इज़ कि उनको ट्रिम करिए या कट करिए। अनफॉर्चुनेटली एक ही वे होता है स्प्लिट एंड्स को परमानेंटली रिमूव करने का, एंड दैट इज़ कि उनको ट्रिम करिए या डायरेक्टली कट कर लीजिए। अगर आपके हेयर में बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स हैं तो आप डायरेक्टली नीचे से ट्रिम करवाइए, सैलून में जाके या खुद से भी। नहीं तो अगर आप लोग के जैसे मेरे हेयर में थोड़े बहुत स्प्लिट एंड्स होते हैं जो सामने दिख जाते हैं, तो उनको मैं इस वे में कट कर लेती हूँ। दैट मीन्स आप लोग को स्मॉल स्ट्रैंड लेना है, उसको नीचे से ट्विस्ट करिए हेयर एंड से एंड एक लूप बना के हेयर को थोड़ा सा बाहर निकालिए एंड जहां पर भी आपको स्प्लिट एंड दिख रहे हैं उनको कट कर लीजिए। इससे आपके परमानेंटली जो स्प्लिट एंड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे हेयर से। आफ्टर रिमूवल आप लोगों को सेकेंड स्टेप पे जाना है एंड दैट इज ऑयलिंग योर हेयर। ऑयलिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होती है बिकॉज जिसको भी स्प्लिट एंड्स होते हैं उसके हेयर ड्राई, डैमेज होते हैं, फ्रिज होते हैं। ऑल्सो उनके हेयर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, हाइड्रेशन नहीं, इसलिए स्प्लिट एंड कॉज होते हैं। सो उनको ठीक करने के लिए आपको अपने हेयर एंड्स को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करना पड़ेगा, सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, देन ऑल्सो आपके हेयर में स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे। तो आप लोगों को कोई भी हेयर ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, फ्यू ड्रॉप्स अपने हेयर एंड्स में एवरी नाइट एंड ब्रेड बना के आप सो सकते हो एंड आप लोगों को डेली ये मेथड यूज़ करना है। अगर आप लोग को हेयर ऑयलिंग करना अच्छा नहीं लगता है तो आप कोई भी अच्छा सा सीरम में इन्वेस्ट करिए, आप सीरम यूज़ कर सकते हो, बट आप लोग कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल ये यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छे ऑयल्स होते हैं। नाउ माय थर्ड टिप इज़ कि अगर आप लोग को स्प्लिट एंड है सो प्लीज़ अवॉइड एनी हीट स्टाइलिंग टूल्स एंड अप्लाइंसेज। अगर आप स्ट्रेटनर, ब्लो ड्रायर, कलर यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ अभी से बंद कर दीजिए बिकॉज इससे आपके स्प्लिट एंड्स बहुत जल्दी से बढ़ जाएंगे एंड इनको रिमूव करना बहुत टफ हो जाएगा, आपके हेयर ही कम हो जाएंगे कट करते रहोगे अगर आप। तो सो इसलिए बेटर है कि आप इसको पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलिए। अगर आप लोग हीट स्टाइलिंग यूज़ करते भी हो तो एक अच्छा सा हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे में इन्वेस्ट करिए। अभी मैं बी ब्लंट का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो बहुत अच्छा वाला हो जो आपके हेयर को अच्छे से हीट से बचाए एंड प्रोटेक्ट करे। तो आप लोगों को हेयर में ऊपर से नहीं हीट स्प्रे यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट आप लोग का हर एक स्ट्रैंड में, मिड लेंथ से लेके हेयर एंड्स तक, जहाँ पर भी आप स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ कर रहे हो वहाँ पर अच्छे से हर एक स्ट्रैंड में कोट करिए हेयर स्प्रे को, उसके बाद ही आप लोगों को ये सारे हीट स्टाइलिंग टूल्स अप्लाई करना चाहिए। ये हमारे हेयर को थोड़ी देर के लिए तो बहुत सुंदर बनाते हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। हेयर नॉट ओनली स्प्लिट एंड्स बढ़ेंगे बट ऑल्सो आपके हेयर ड्राई, फ्रिजी, अनमैनेजेबल होने लगेंगे। ऑल्सो आपके हेयर का जो कलर है वो भी फेड होने लगेगा। सो प्लीज़ ट्राई करिए कि इन सारे हीट स्टाइलिंग टूल्स को मंथ में एक या दो बार आप यूज़ करें या वीक में एक आध बार ही आपको यूज़ करना चाहिए। माई फोर्थ टिप इज़ यूज सिल्क स्क्रंचीज और थिक हेयर इलास्टिक। अगर आप लोग थिन हेयर इलास्टिक यूज़ करोगे तो इससे बहुत ज़्यादा ब्रेकेज कॉज होता है। तो आई विल सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप लोग सिल्क स्क्रंचीज में इन्वेस्ट करिए या थिक हेयर इलास्टिक्स में इन्वेस्ट करिए। ये बहुत ही ईजिली अफोर्डेबल प्राइजेज में आप लोग को ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, मीशो पर मिल जाएंगी, तो आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने अमेजोन से परचेज़ की थी एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे अफोर्डेबल प्राइजेज में ये सारी सिल्क स्क्रंचीज डिफरेंट कलर्स में मिल गई थी। बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लगती हैं, इससे डिफरेंट हेयर स्टाइल भी बन जाती है एंड हेयर को डैमेज नहीं करती। एंड अनदर टिप इज़ कि आप लोग को हमेशा अपने हेयर को टाई करके रखना चाहिए। अगर आप लोग को स्प्लिट एंड्स वगैरह की प्रॉब्लम होती रहती है तो आप लोगों को ब्रेड्स बना के रखना चाहिए, लूज ब्रेड बना लीजिए। जब भी आप सोते हो ना तब आप लोगों को ब्रेड्स बना के सोना चाहिए, ओपन हेयर करके नहीं सोना चाहिए, उससे फ्रिज भी इंक्रीज होता है एंड हेयर डैमेज हो जाते हैं एंड मॉर्निंग में अनमैनेजेबल एंड टेंगल्ड हो जाते हैं। तो उनको टेंगल फ्री रखने के लिए एंड हेयर में फ्रिज को कम करने के लिए आपको हमेशा ब्रेड्स बना के रखना चाहिए या हेयर बंस या अपडोज बना के रखिए, जिससे हमारे हेयर में मॉइस्चर लॉक रहे, नरिशमेंट हमेशा बना रहे, उससे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम या
या डैमेज या ड्राई हेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों को ब्रेड्स बनाना अच्छा नहीं लगता है तो आप बन बना सकते हो। आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट क्लचर हेयर स्टाइल्स भी आते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड मेरे चैनल पे भी बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं हेयर स्टाइल की, हेयर स्टाइल फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स, हेयर स्टाइल फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स, हेयर स्टाइल फॉर फेस्टिव सीजन, नवरात्रि, डिफरेंट पूजाज, सब लोग डेफिनेटली ट्राई करिए। बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं जो मीडियम से लेकर लॉन्ग हेयर तक के लिए परफेक्ट हैं एंड वो भी विदाउट हीट टूल्स के साथ। नाउ माय अनदर टिप इज यूज वाइट टूथ कॉम्ब और वाइट टूथ ब्रशेज। आप लोगों को एक मिडल पार्टिंग करनी है, उसके बाद आप लोगों को अपने हेयर को डिटेंगल करना है टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद। इससे क्या होता है कि आपके जो हेयर हैं वो जल्दी डिटेंगल हो जाते हैं, हेयर में कोई भी फ्रिज नहीं आता है और आपके जो हेयर एंड्स हैं उनमें कोई भी ब्रेकेज नहीं होता है। तो जब भी आप वाइट टूथ कॉम्ब यूज़ करते हो ना तो आप ईजिली अपने हेयर को डिटेंगल कर पाओगे। अगर आप लोग स्मॉल थिन कॉम्ब्स यूज़ करोगे तो उससे आपके हेयर डैमेज होंगे एंड बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगी वाइल कॉम्बिंग योर हेयर। तो इसलिए आप जब भी कॉम्ब करते हो तो हमेशा वाइट टूथ कॉम्ब का यूज़ करिए या फिर आप लोग वुडन कॉम्ब में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी होती है हमारे स्कैल्प हेल्थ के लिए भी एंड ओवरऑल हेयर हेल्थ के लिए भी। नाउ माय अनदर टिप इज हैव बैलेंस्ड डाइट। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड रहेगी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स विटामिंस रहेगी, तो आपके ओवरऑल हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ एंड ओवरऑल बॉडी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। आपको कुछ भी ऊपर से नहीं करना पड़ेगा, आपके अगर इंटरनली बॉडी हेल्दी रहेगी एंड आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिंस वो आपके बॉडी में जाएंगे। तो आप लोगों को प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, ये तीन चीज़ आप लोगों के बॉडी में इफ़िशेंट होनी चाहिए अगर आपको हेयर हेल्दी चाहिए, बिकॉज बायोटीन एंड प्रोटीन से आपके हेयर बनते हैं, उससे आपकी ओवरऑल हेयर की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। अगर आप लोग आयरन डिफिशेंसी है अगर आपकी बॉडी में तो प्लीज़ उसको ट्राई करें कि आयरन की टेबलेट्स लीजिए या डॉक्टर के पास जाइए एंड देखिए कि आप लोग आयरन के लिए क्या क्या कंज्यूम कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपके आयरन डिफिशियंसी होती है बॉडी में तो उससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है। सो ट्राई करें कि आयरन डिफिशियंसी नहीं हो। अभी मैं बना रही हूँ बेसन, सूजी एंड ओट्स चीला। इसमें मैं जितनी भी मेरी फेवरेट वेजिटेबल्स होती हैं उनको मैं स्मॉल पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा टीस्पून ऑफ घी मैं पैन में ऐड करके एंड ये चीला बना लेती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा यमी प्लस हेल्दी रेसिपी है, आप ट्राई कर सकते हो। फिर वेजिटेरियन इसके साथ आप कोई भी ग्रीन चटनी ऐड कर सकते हो या केचप भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही यमी लगती है एंड वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी है। एंड मैं आगे वाले वीडियोज़ में भी बहुत सारी डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी जो इजी भी हैं, क्विक हैं एंड हर कोई इनको ट्राई कर सकता है जो हेल्दी भी हैं। एंड ऑल्सो यू कैन हैव सैलड्स, स्प्राउट्स, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन में अच्छे होते हैं। एंड बहुत सारा पानी पीजिए बिकॉज ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर विल हेल्प यू टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। एंड नाउ माय लास्ट स्टेप इज यूज़ अ नेचुरल हेयर मास्क जो मॉइस्चराइजिंग हो एंड हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करे। एंड वन ऑफ माई फेवरेट इज अपने हेयर को हेल्दी एंड सॉफ्ट बनाना है, देन ट्राई दिस होम रेमेडी। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स, 1 टेबल स्पून ऑफ व्हाइट राइस। आपको एक पैन में 1 ग्लास वाटर ऐड करना है एंड फुल फ्लेम पे आप इसको रख दीजिए एंड इन दोनों सीड्स को ऐड कर लीजिए 1 टेबल स्पून एंड स्टर करिए फॉर 5 मिनट्स कंटिन्यूसली। उसके बाद इसको कोल्ड डाउन होने के लिए रख दीजिए एंड इसका जेल कंसिस्टेंसी टाइप आ जाएगी, कर दीजिए एंड अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए जिससे एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। एंड आपको एक लिनन का कपड़ा लेना है, उसमें इस पेस्ट को डालिए एंड एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इसका सारा जूस। इस तरीके से स्मूथ कंसिस्टेंसी आपको मिल जानी चाहिए एंड देन इसको आप अपने पूरे स्कैल्प में हेयर लेंथ में अप्लाई करिए विद द हेल्प ऑफ कॉटन बॉल एंड इससे आपकी जितनी भी फ्रिजीनेस होगी, डैमेज हेयर हो गए हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। इसको 1 आवर या 30 मिनट्स तक ऐसे ही लीव करके एंड शैम्पू एंड कंडीशनर से वॉश कर लीजिए। ट्राई दिस होम रेमेडी फॉर अमेजिंग हेल्दी हेयर। And that's it. Hope you find this video helpful. And if you do, then don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to comment down below कौन से आपके favorite tip थी इसमें से. And thank you for watching. Bye.